दादी। हाँ बोला बेटा, क्या हुआ? मीना बहुत बोर हो रही हूँ। मतलब ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप मुझे कोई कहानी सुनाइए ना। कहानी? अभी मैं कौन सी कहानी सुनाऊँ तुझे? चलिए दादी, आप ना मुझे ना अपने जमाने की कोई कहानी सुनाइए। मतलब आपके जमाने में कैसी कैसी चीजें थी, या फिर आपकी सासू माँ कैसी थी, मतलब परदादी कैसी थी मेरी। दादी सुनाइए ना, मुझे उनके बारे में सुनना है। अरे अरे बेटा समझा करो, मुझे नहीं है उसमें इंटरेस्ट, प्लीज दादी प्लीज, मुझे सुनना है प्लीज। मुझे मुझे नहीं मुझे बस जानना है कि वो कैसी थी। बतानी उनकी कोई बात। अच्छा चल, अब तू इतनी ये कर रही है ना तो बता नहीं देती हूँ उनके बारे में। आ सुन, तेरी परदादी के बारे में कहाँ से शुरू करूँ? वो ना, मतलब अभी मैं क्या बोलूं, तेरे दादाजी नहीं है ना यहाँ पे? कहाँ नहीं वो नहीं है। गए? और पता नहीं, शायद वो मंदिर चले गए हैं। अच्छा मंदिर गए? हाँ तो तेरी परदादी जो थी एकदम भयानक। इतनी डरावनी थी क्या वो? क्या वो दिखती थी ऐसे ना खटक खटक? उस जमाने में ना चमड़े के चप्पल होते थे, ऐसे चपाक चपाक बजते थे, ऐसे आती थी। इतना डर लगता था ना मुझे, मेरी उम्र क्या होगी? मेरी तो 16 साल की उम्र में शादी हुई थी, पर क्या है उस जमाने में ना शादी हो जाने के बाद, मतलब जब तक आप, मतलब वो क्या कहते हैं, पूरा मतलब 18-19 साल के नहीं हो जाते तब तक वो मायके में है। तो मैं 3 साल मायके में रही, फिर 19 साल में मैं मतलब ससुराल आई, तो मुझे पता नहीं था ना मतलब कुछ भी। तो मैं जब ससुराल आई तो मुझे ना तेरी ये परदादी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, पर आस पड़ोस की ना औरतें मुझे बताती थी वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत है। मुझे लगा बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, पर फिर पता चला। अब तुझे तो पता है ना श्रेया बेटा, मैं अभी भी कितनी सुंदर दिखती हूँ। अरे उस जमाने में तो मैं ऐसी दिखती थी ना, आजकल की हीरोइन तो यार फीकी है मेरे सामने, और उस जमाने की जो हीरोइन थी बड़ी बड़ी वो तो है ऐसे ऐसे थी मेरे सामने, इतनी सुंदर थी मैं। मुझे इतना मेकअप वगैरह करने की आदत थी ना, पर जैसे ही मेरी शादी हुई ना, तेरी जो परदादी थी उसके गले से ये बात कभी नीचे उतरी ही नहीं, उसके हलक में अटकती थी ये बात, कभी मुझे मेकअप नहीं करने दिया उसने। It's not what it looks like. आग का है पूरी? हाँ 24 घंटे आईने के सामने अपना चेहरा देखती हो? हाँ इतना क्या खास बात है अपने आईने में ऐसा, और अपने चेहरे में ऐसा? अब मैं हूँ इतनी खूबसूरत, चेहरा तो देखूंगी ना मैं। भाई भाई बहुत कठिन है तेरा देख। अपनी ये सब दुनिया से बाहर निकल, तेरा मायका नहीं है ये, ससुराल है ससुराल। हाँ बहुत ज्यादा काम करने है, खाना बनाना है, चल। हाँ बनाती हूँ, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। बोया तू बनाएगी? क्या बनाएगी? देखती हूँ अभी क्या क्या है, मुझे अगर कुछ बनाना आ गया वही बना दूंगी, जो बनेगा आप खा लेना। नको गो भाई नको। अरे आप क्यों फिक्र कर रही हो, मैं बना दूंगी खाना। फिक्र नहीं डर लगता है, डर। तुम्हारा खाना खाके कल सुबह मुर्गे की आवाज हमें आएगी या नहीं? चलो भी ना उनके ताने मेरे कानों में से चुभते हैं, पता है? आज भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है। ये कैसे करते हैं? आग भाई तुझे नहीं पता कैसे चलाना होता है? ये बकपोरी ऐसा ऐसा कर। देख ऐसा ही करना है। वो क्या है ना, मेरे मायके में ना इतना कुछ है ना, तो मुझे ना इसकी कभी ना। ओए मायका नहीं है ये, ससुराल है। हाँ मायके में जो चीज छूट गई उसके बारे में नहीं बोलते, अपना काम कर। हो गया? हाँ इतनी जल्दी? आगो पोरी इतनी जल्दी नहीं होता वो, कितना दर्द दर है देख। हाँ ऐसा नहीं खाते वो, अभी आधा घंटा और कर। अरे आधा घंटा? मेरे हाथ दुख जाएंगे।
तू क्या कश्मीर की नाजुक कली है क्या? हाँ चुपचाप कर, बहुत काम है और। अगो भाई अरे मेरा जो मायका था ना, तो वहाँ पे सबको जैसा नौकर होते थे, मैं इतने मतलब अच्छे घर से थी ना, पर यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं था, मुझे क्या पता था। ये बोलते हैं ना वो राजकुमारी फंस गई पिंजरे में, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। पर वहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा वो क्या कहते हैं एडजस्ट कर लिया, पर मुझे कुछ आता नहीं था। तो वो ना मुझे सिखाती थी, इतना घटिया सिखाती थी, ताने मार मार के, मार मार के। और तो ना इतना उनका क्या कहते ना, मैं तो कैसे एकदम ऐसे फ्री माइंडेड थी, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, मैं एकदम बिंदास हीरोइन जैसी रहती थी। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इतना गुस्सा आता था ना मुझे, पर क्या करे, भी कैसे बताए। सुन भाई ये ले पानी ले, तेरे ससुर जी के कोई दोस्त आए नीचे, हाँ उनको जाके पानी दे। अच्छा तुझे भी दे देती हूँ उनको जाके। ए पुरी अगो भाई ऐसा जाते है क्या? हाँ अरे मेरे बाल भी तो दिखने चाहिए ना उनको, देखे ना कितने लंबे हैं, बचपन में मैंने बहुत मेरे बालों को ये किया था, अब तो देखिए कैसे हो गए एकदम, लग रही हूँ एकदम मधुमारा जैसे। वो पल्लू किस लिए है? ऐसा घुमाने के लिए नहीं है वो। हाँ ऐसा देख सिर पे डाल के जा। हाँ अरे क्या ये, देखिए मैं पल्लू ऊपर रखती हूँ। जाती हूँ काय रे बाबा, ऐसा कौन सा नक्षत्र लाया रे मेरे बेटे ने, काय बगन काय वागन काय चालन। अरे ए पुरी दादी, दादाजी कैसे थे मतलब उस टाइम पे? वो तो शादी के बाद फुसकी बॉम्ब निकले। अरे मतलब शादी से पहले उन्होंने मतलब बहुत ये किया था मेरे लिए, पर जैसे ही शादी हुई वैसे उनका रंग ढंग सब बदल ही गया। सुनिए ना कहीं बाहर चले क्या, मुझे बहुत ऐसी ना नहीं नहीं दीदी मतलब पिक्चरें देखने का मन कर रहा है। अरे नहीं नहीं मुझे अभी बहुत काम है, अभी हम कहीं नहीं जा सकते। अरे क्या शादी के बाद से तो आपने मतलब मेरे ऊपर जो आप पूरा वो क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? अरे इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलती हो तुम इंग्लिश? हाँ शादी के बाद से तो आपने मुझे ऐसा ही कर दिया है, कभी कभी पिक्चर को लेके नहीं जाते, शादी से पहले जोड़-फोड़ की टिकटें लाके मुझे पिक्चर दिखाया करते थे, अभी तो वो भी नहीं करते। देखो देखो शादी के बाद चीजें बदल जाती है। क्या बदल जाते, कुछ नहीं बदलता, शादी के बाद सिर्फ आप नहीं बदलते औरतें नहीं बदलती, औरतें ऐसी होती है, फिर क्या ना मेरी नजर में ही ऐसा देखे तो क्यों। अरे अच्छा चलो ठीक है हम जाएंगे। हाँ जाएंगे, परसों हम जाते हैं, मैंने सुना है परसों थिएटर में नई पिक्चर आने वाली है, तो परसों जाएंगे। सच्ची? अरे एकदम सच्ची, अभी मुझे काम करने दो। ललिता, ए ललिता जी क्या हुआ ससुमा? परसों हमें कपिलेश्वर महाराज की यात्रा में जाना है। अरे मैं तो चाहती थी तेरे दादाजी मुझे ना शहर लेके जाए, ताकि ना शहर जाने के बाद गांव की सारी मतलब वो किचकिच बंद हो जाती थी ना, पर ये मुझे कभी शहर लेके ही नहीं गए, हर बार अकेले जाते थे, मुझे कभी साथ में लेके नहीं गए उस खोपड़ गांव में, मुझे हर बार वहां पे उन्होंने मुझे रख दिया। सुनिए ना। हाँ बोलो। आप मतलब ऐसे सिटी में जाते हो काम करने के लिए, मैं भी आपके साथ आती हूँ ना, मतलब आपको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं इंग्लिश में। अरे इंग्लिश नहीं आती है क्यों बोलती हो, हिंदी में बोल दो। वो मतलब आपको भी थोड़ा सा मेरे साथ क्या कहते हैं उसे, तुम पहले हिंदी सीख लो। अरे क्या आप भी ना मतलब आपको भी अच्छा लगेगा ना अगर मैं आए तो। काय को सुन भाई क्या बातचीत हो रही है? वो दरअसल ना मैं क्या सोच रही हूँ, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है जाने की? उनको वहाँ पे मतलब वो क्या कहती है उनको मतलब अच्छा लगेगा ना मेरे साथ।
कोई जरूरत नहीं है, वो अपने काम से जा रहा है, उसको जाने दे। तुझको क्या जरूरत है उसके पीछे 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 जाने की? हाँ, इधर में होने लगी वो बूढ़ी, कुछ दिनों बाद तुझको पहनानी पड़ेगी मुझे साड़ी, और तू गाड़ी में बैठ के माड़ी पे जाने की बात कर रही है? हाँ बिल्कुल नहीं, यही पे रहना। हाँ बहुत ज्यादा काम है इधर। ए बोरा, इसको जरा समझा दे। हाँ इधर ही रहे, वो शहर की बात ना करे। हाँ एक बार शहर गए तो गांव छूट जाता है। हाँ इधर इतने सारे काम है, कुछ दिनों बाद मैं हो जाऊंगी ठुस, फिर क्या करेगी? सारा तुझे ही करना पड़ेगा, समझ गई ना? कहाँ जा रही है बेटा, आराम से जा। और तेरे परदादे ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं अकेले, हर बार वो गाँव गाँव गाँव, इसीलिए मैं अब गाँव नहीं जाती है। बॉडी बॉडी उसमें मेमोरी मेरी सारी, इतनी सारी जिंदगी की, इतने बुरे लम्हे मेरे उस गाँव में है। क्यों जाऊँ मैं गाँव? है मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, किसके बातचीत चल रही है? आ गए। कुछ नहीं कुछ नहीं, बस हमारी तो कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी ना, नॉर्मल सी, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने सब सुना है। क्या सुन लिया? तुम गांव के बारे में कुछ बोल रही थी ना? हाँ मैं थोड़ा उसको बता रही थी हमारे गांव के बारे में। वहाँ पे वो बोल रही थी कि शादी के बाद मतलब मैं कैसी थी, मेरा क्या था, वो ऐसा मतलब। अरे अच्छा हुआ, मुझे भी बहुत कुछ चीजें याद आ गई। देख झटाक से मैं तुझको बता देता हूँ श्रेया बेटा, इसके बारे में जरा रुक। अरे आप चुप बैठी है ना, मैंने बता दिया। श्रेया बेटा जा जा खेलने के लिए जा, इनकी बात मत सुन, कुछ भी बता देंगे तुझे वो, चल जा 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 भाग। अरे आप क्यों डर रही हो, अभी असलियत बताता हूँ ना मैं क्या क्या। और हाँ तुमने सब अच्छा बताया होगा उसको, रुक रुक बताता हूँ। अरे क्या, क्यों आपको ये करना है? मैंने बता दिया उसको, आप कुछ मत बताइए। अरे दादी प्लीज मुझे सुनने दीजिए ना, और किससे, और दादाजी आप सुनाइए। देखो श्रेया को सुनना है अब, तुम चुप बैठो। हाँ तो ना ये क्या करती थी गांव में, अभी गांव में तो क्या उस टाइम पे कोई भी ब्यूटी पार्लर छोटी पार्लर था नहीं, तो वो ना गांव में इसका एक नाम था, स्पेशल नाम, सारे बच्चों ने, छोटे बच्चे बड़े आदमी सब ने मिला के इसका एक नाम रखा था, और वो नाम था गोबर कली। गोबर कली? अरे वो मत बताइए ना। अरे कितनी गंदी बदबू आ रही, क्या कर रही हो? अरे वो ना मेरी माँ ने मुझे ना कहा था कि गोबर वाले लेप से ना आपका चेहरा बहुत चमकीन चमकीन हो जाता है। आरा रा 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 रा। भाई ऐसा कौन सा गोबर का कीड़ा लाया रे तू? काई नहीं काई नहीं भाई। अब मैं ये जरा सुखाने के लिए जाती हूँ। अरे बाहर, अरे बाहर मत जाओ। अरे सत्यानाश। हो गया, कर दिया आपने मेरी ये पूरी। हाँ हर बार आपको मतलब यही करना होता है। क्या कुछ भी बोल रहा हूँ, एकदम सच तो बोल रहा हूँ ना। हाँ जो हुआ वही बोल रहा हूँ, जो तुम करती थी वही बोल रहा हूँ, लगाती नहीं थी तुम गोबर? अरे तो फिर वो अच्छा ही था, मेरी माँ ने कहा था तो वो रेमेडी थी बेटा, बहुत अच्छी रेमेडी है वो। अभी क्या है यहाँ पे गोबर मिलता नहीं ना, पर अच्छा होता है वो। अरे तुमको गोबर चाहिए क्या यार, रास्ते में मैंने देखा था अभी, हाँ इतना बड़ा टेर है, लाओ क्या? अरे क्या यहाँ के क्या, यहाँ के जानवरों का अच्छा नहीं होता, गांव के जानवरों का अच्छा होता है। तुमको चेहरे पे लगाना है या गोबर के साथ कुछ और करना है? अरे क्या आप कितना गंदा बोलते हैं। ये देख श्रेया, ये ऐसे ही है, और इनकी पूरी मतलब फैमिली ऐसी है, मैनर्स लेस, हमारे फैमिली में ऐसी बात नहीं होती। तुम्हारी फैमिली गुंडों की। अरे चुप रहिए ना आप, क्यों उसको कुछ भी बता रहे हो बेटा, जा जा कुछ भी बता देंगे तुझे, जा जा। बोलते हो आप तो नहीं थी क्या तुम्हारी फैमिली गुंडों की? हाँ थी गुंडों की। क्या
हर बार तारा मेरा मूड का ये गुड़ गोबर कर दे, गोबर नहीं मेरे मूड का खराब कर देते। हाँ गोबर का नाम ही नहीं लेना, फंस गई मैं उससे। ए बहु क्या हाँ बहुत हंसी आ रही है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पर अब वही बहू ना सास है सास, समझी ना? चल जा अपना काम कर।